नमस्कार दोस्तों, फूड डिवाइन में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इजी तरीके से चिकन करी की रेसिपी शेयर करूंगी। एक बार आप मेरे तरीके से ये चिकन करी बना के जरूर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएंगे। तो रेसिपी पसंद आए तो लाइक कॉमेंट के साथ दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल में अगर आप नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते आज की रेसिपी, और आज के लाइक का गोल रखते 1000। आज की रेसिपी के लिए मैंने लिया यहाँ पे 1 किलो चिकन। चिकन आप अपने ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें चिकन में कुछ मसाले ऐड करना है। डाल देंगे हम नमक स्वादानुसार। तो मैं यहाँ पे 1.5 चम्मच नमक डाली हूँ। नमक आप अपने स्वादानुसार डालिएगा। डालेंगे हम 2 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर। तीखा आप अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। 1/2 चम्मच हल्दी। 1.5 चम्मच हम डालेंगे यहाँ पे धनिया पाउडर। 1 चम्मच हम डालेंगे यहाँ पे जीरा पाउडर। 2 चम्मच हम डालेंगे तेल। 3 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। 2 मीडियम साइज के प्याज को पतले स्लाइस में काट लिया है, डाल देंगे हम। साथ ही हम डालेंगे यहाँ पे 1/2 चम्मच गरम मसाला। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से चिकन में मिक्स कर लेंगे, और कम से कम 1/2 घंटे हम रेस्ट के लिए रखेंगे, फिर हम रेसिपी शुरू करते हैं। इतना इजी है आज के चिकन करी बनाना, कोई भी बना ले, जो भी किचन के लिए नया हो। बहुत ही कम मसाले में और बहुत ही जल्दी बनने वाले हमारा ये चिकन करी, खाने में बहुत ही ज़्यादा आपको टेस्टी लगेगा। रोटी चावल किसी के साथ भी खा सकते हो। तो अच्छे से देखिए, मसाले मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम कम से कम 1/2 घंटे रेस्ट के लिए रखेंगे, फिर हम रेसिपी शुरू करते हैं। 1/2 घंटे बाद हम कुकर ले लेंगे, और कुकर में हम डालेंगे 1/2 कप तेल। तेल को हम पहले गरम करेंगे। तेल जैसे गरम हो जाए, हम डालेंगे 5-6 ब्लैक पेपर, 2 बड़ी इलायची और 1 टुकड़ा हम डालेंगे यहाँ पे दालचीनी के। साथ ही हम डाल देंगे 20 से 22 यहाँ पे लहसुन, 1 चम्मच साबुत जीरा, 4-5 हम डालेंगे यहाँ पे सूखी लाल मिर्च, और 2 तेज़पत्ते को हम छोटे छोटे टुकड़ा करके डाल देंगे। कुछ देर के लिए हम पहले फ्राई करेंगे। खड़े मसाले आपके पास जो है आप यहाँ पे डाल सकते हो। देखिए, लहसुन का कलर जैसे ही हल्का चेंज हो जाए, हम डाल देंगे यहाँ पे मैरिनेट किए हुए चिकन। गैस का फ्लेम बिल्कुल हम लो पे रखेंगे। चिकन डालने के बाद हम 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम में चिकन को अच्छे से पहले भून लेंगे, और उससे पहले हम डालेंगे यहाँ पे 2 लहसुन के गांठ। तो बीच बीच में चलाते हुए हमें चिकन को भून लेना है। चार से पाँच मिनट मीडियम फ्लेम में चिकन को भून लिया है, और आप देख सकते हो साइड से तेल अलग दिख रहा है। चिकन अच्छे से हमारा भून चुका है। अब हम कुकर का ढक्कन बंद करेंगे, और मीडियम फ्लेम में 2 सीटी आने तक चिकन को कुकर में पकाएंगे। मैं यहाँ पे पानी का यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर आपको हल्का ग्रेवी चाहिए तो आप यहाँ पर पानी ऐड कर सकते हो। हल्का गुनगुना गर्म पानी आप यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा, जैसे आपको ग्रेवी चाहिए। तो जब अच्छे से मसाले हमारा भून जाए, तभी आपको डालना है यहाँ पे पानी। तो मैं यहाँ पे पानी नहीं डाल रही हूँ। कुकर का ढक्कन हम बंद करेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम करते हैं, और मीडियम फ्लेम में 2 सीटी आने देंगे। 2 सीटी आने के बाद हम गैस का फ्लेम बंद करके चिकन को हम 5 मिनट कुकर में रहने देंगे। 2 सीटी आने के बाद मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया था, और चिकन को मैंने 2 से 3 मिनट कुकर में रहने दिया। अब हम कुकर को खोल लेंगे।
और चिकन हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, देखिए। और बिना पानी डाले भी आप इसमें देख सकते हो अच्छा खासा यहाँ पे ग्रेवी है। एक बार हम गैस का फ्लेम फिर से ऑन कर देंगे। देखिए, तो पानी आप उस हिसाब से डालिएगा। लास्ट में हम डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। एक बार हम मिक्स करके गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। फ्रेंड्स, इतना इजी तरीके से एक बार आप चिकन करी बना के ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएंगे। इससे आप रोटी, चावल, पराठे कुछ भी खा सकते हो। तो धनिया पत्ते डालने के बाद एक बार मिक्स कर लिया है, गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और 2 मिनट के लिए हम कुकर को कवर कर देते हैं। 2 मिनट बाद मैं आप लोगों को सर्व करके दिखाती हूँ। 2 मिनट बाद हम चिकन को सर्व कर लेंगे एक प्लेट में। जिनके नए नए शादी हुए हैं, जो किचन के लिए बिल्कुल नया हो, उनके लिए ये रेसिपी एकदम परफेक्ट है। देखा ना आपने कितना इजी है इसे बनाना। और ये चिकन करी देख के जितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, लेकिन मानिए खाने में भी आपको उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो फ्रेंड्स, आज के ये इजी चिकन करी की रेसिपी आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।